यहाँ आपको खबर देंगे, कराची एयरपोर्ट पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बंद होने का इंकशाफ हुआ है। सफ़र से पहले मुलजिमान की शनाख्त के लिए पहली बार जदीद निज़ाम इंटरनेशनल डिपार्चर काउंटर पर लगाया गया था, जो FIA की अदम दिलचस्पी के बायस गैर फाल हो गया है। इस खबर की मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं सीनियर रिपोर्टर आज न्यूज़ काजी आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काजी आसिफ, आगाह कीजिएगा, ये जदीद निज़ाम लगाया गया था लेकिन अब इसमें क्या मसला आ गया है कि ये इंकशाफ किया जा रहा है कि नहीं रिकग्नाइज कर रहा है ये चेहरों को? जी, ये निज़ाम जो है वो एयरपोर्ट पे लगाया दिया गया था ताकि काजी आसिफ से इस मामले पर बात करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बंद होने का इंकशाफ हुआ है। सफर से पहले मुलजमान की शनाख्त के लिए पहली बार जदीद निज़ाम इंटरनेशनल डिपार्चर काउंटर पर लगाया गया था। यहाँ आपको खबर देंगे, कराची एयरपोर्ट पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बंद होने का इंकशाफ हुआ है। सफर से पहले मुलजमान की शनाख्त के लिए पहली बार जदीद निज़ाम इंटरनेशनल डिपार्चर काउंटर पर लगाया गया था, जो FIA की अदम दिलचस्पी के बायस गैर फाल हो गया है। इस खबर की मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं सीनियर रिपोर्टर आज न्यूज़ काजी आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काजी आसिफ, आगाह कीजिएगा, ये जदीद निज़ाम लगाया गया था लेकिन अब इसमें क्या मसला आ गया है कि ये इंकशाफ किया जा रहा है कि नहीं रिकग्नाइज कर रहा है ये चेहरों को? जी, ये निज़ाम जो है वो एयरपोर्ट पे लगाया दिया गया था ताकि काजी आसिफ से इस मामले पर बात करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बंद होने का इंकशाफ हुआ है। सफर से पहले मुलजमान की शनाख्त के लिए पहली बार जदीद निज़ाम इंटरनेशनल डिपार्चर काउंटर पर लगाया गया था।